अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज अली अकबर, आपका प्यारा दोस्त हाफिज अली अकबर। ये सब मेरे दोस्त हैं जी, ये अब्दुल्ला फरहान है, ये हुज़ैफा भाई हैं, ये मुनीब हसन जज साहिब है, और ये भी हुज़ैफा भाई हैं। ये हमारे भाई बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, इनकी इंशाल्लाह आपको किसी व्लॉग में नात भी सुनाएंगे। तो दोस्तों आज मैं कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मौसम है आज। हाँ फॉग तो है अभी। आपको इंशाल्लाह हम क्लासेस भी दिखाएंगे जहाँ पे इलामा इकबाल बैठ के स्टडी किया करते थे और क्लासेस लिया करते थे, इंशाल्लाह आपको उन क्लासेस में लेके जाएंगे। तो चलो यारों चलें, अब ऊपर चलते हैं। ओए बैग नहीं उठाने, उधर रख गए थे बैग, आज बारिश पड़े हुए। ये एम्फी थिएटर है हमारा, इधर मौज मस्ती होती है सारा दिन। तेज चल लो यार, थोड़ा आगे आ जाओ, बिखर गए सारे। ये सारा एम्फी थिएटर है और वो पीछे अंदर वीसी साहब का कमरा है। इस साइड से आ जाओ, इस साइड से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असामुल हक और मैं हूँ असामुल हक। ये हमारे असाम भाई हैं, माशाल्लाह ड्रामेटिक्स में भी हैं और ड्रामेबाज हैं। और मजाक कर रहे हैं। अली काजमी आ जाओ आप भी, क्या हाल चाल है? किधर जा रहे हो? इधर ही फिर रहे हैं, मिर्जा साहब के बच के खड़े हैं। अच्छा मिर्जा साहब आए हैं, टोल लगाया उस साइड। चलो ठीक है, टोल करवा रहे हैं। ये ब्लॉग भर रहे हैं, चलो ठीक ठीक हो गया। भैया ये वे डाउन है, क्यों क्यों पाकिस्तानी बन रहे हो यार? ठीक है ठीक है, पाकिस्तानी बनना है तो सही वाले बनो। ये देखो ये वे डाउन लिखा हुआ है, आउट से चलते डाउन। ये देखो ये देखो, अरे वापिस आ, वापिस आ नीचे। आजकल बन गए का चलान बहुत आ रहा। हम रूल्स को फॉलो करेंगे। ये वे अप है और यहाँ से ऊपर जाना है। चलो भाई एक एक करके सारे जाओ ऊपर, पहली बारी ऊपर जाने की। ये हमारे जीसी के कबूतर है। ये सीढ़ियां, ये ऊपर लाइब्रेरी की तरफ जाती हैं। ये कॉरिडोर आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बंदा, ये जो है ना, ये रूल तोड़ने की आदत है, इसे सीधा करना है हमने। वो जो आगे जा रहा है, इधर आओ। उधर से क्यों ऊपर आया तू? छोटा पड़ता है, कहाँ छोटा पड़ता है, बस इसने रूल तोड़ना था, तोड़ दिया। लाइब्रेरी से भी निकले, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये भी दिखा देने। ये लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे आप? पढ़ रहे थे और क्या कर रहे थे? अच्छा ये लाइब्रेरी है हमारी। तो दोस्तों ये क्लासेस है, ऐसी कुशादा बड़ी बड़ी क्लासेस है। ये देखे आप जीसी की, जीसी की गवर्नमेंट कॉलेज की। आप बाहर ठहरा दे, कुछ नहीं होता यार, उड़ती उड़ती है, आ रहा। और इसी क्लास में शूटिंग भी हुई थी जो बिछड़ गए ड्रामा सीरीज, ISPR की जो बिछड़ गए ड्रामा सीरीज है ना, उसमें आपके भाई ने भी काम किया। तो इसी क्लास में हमारी जो क्लासरूम का सीन हुआ था, इसी क्लास में हुआ था। ये कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मेरे, और आई एम प्रोफेसर अली अकबर। ये देखें क्लासेस हैं, ये बड़े बड़े दरवाजे। दोस्तों ये है कायदे आजम हॉस्टल। ओए होए होए, ये क्या कर रहा है? पैसे नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, चलान हो गया यार 2000 रुपए का कल। खैर है, क्यों हो गया चलान यार? बस इधर तो आ, इधर आ, किधर जा रहा है? और यार ये फजूल में चलान कर दिए यार 2000 रुपए का कल, फजूल में 2000 के पेट्रोल से पूरे महीने का गुजारा रहता है। क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, सरासर गलती इसकी है। कैसे मेरी गलती कैसे? अभी आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे हैं यार? ये तो बात है, लाइसेंस के बगैर है अब चला रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं यार? अभी नहीं बना लाइसेंस, क्या कर सकते? मजबूरी में चलानी पड़ती है भाई यार, घर आपके साथ ऐसा क्या होता है? मजबूरी में यार चलानी पड़ती है। है आपका लाइसेंस? मैं भी 18 साल का वही चला रहा हूं। गाड़ी चलाते हैं? इसकी उम्र कम, इसकी उम्र कम लिखी हुई है बाइक चलाते हैं, उम्र कम लिखी हुई है। ये तो कानून है, बाइक पे बाइक चलाते हो आप जी? बाइक चलाते हो? नहीं, मैं ऑनलाइन ट्रेन पे आपकी। अब वो बाइक आपकी नहीं है, क्या नंबर है इसकी बाइक का? वही ये देखिए, टॉपिक कैसे चेंज किया जा रहा है, ये आपके सामने है।
आप दोस्तों ये भी मुजरिम है, मैं भी मुजरिम हूं। मैं कहता हूं मैं गलत है, पर ये 2000 रुपए का नहीं होना चाहिए, होना जरूर चाहिए। आप ये देखें टिकट पे, इस नंबर पे देखें 16 नंबर है, 12 नंबर इसका, इसकी क्या प्राइस लिखी हुई है 12 नंबर की? 100 रुपए 500 गाड़ी की, ठीक है। अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कर दिया 2000 रुपए, जो कि पाकिस्तान की जो ये हमारा भाई ये देखें जो नबीना वो भी चलाने पड़ रहा है, वो 20,000 रुपए उस हिसाब से ये आप 2000 कैसे दे सकते हैं? 10% बनता है 2000 रुपए टैक्स। आप ये देखें ओवरलोडिंग का चलान है कि नहीं, ओवरलोडिंग का है। ये देखिए ये बंदा 70 पे जाता है, अब इस बंदे का चलान भाई मैं भी नहीं जाता, मैं भी बाइक पे नहीं आता, ये बंदा 70 मेरे पास लाइसेंस ही नहीं। अच्छा सारे मीटर मुकर रहे, ये बंदा 70 पे जाता है, इसकी ओवरलोडिंग का चलान रेस कर रखा है यार। ना यार क्या क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भाई? नहीं आप मुझे बस इसका नहीं हमारा, ये भाई नवीना माशाल्लाह चलान पर नहीं कर रहे। अच्छा ये देखे ये नवीना, ये देखे जी मैं अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा देख सकता हूँ, ये महंगा भी है ये बताओ। अगर मैं देख ना सकता होता तो मैं ओवरलोडिंग का कह सकता था। आपने देख लिया इस भाई को 2000 का चलान टूट गया कर। अच्छा आप मुझे वजह क्या है, इसके पास लाइसेंस नहीं है? 2000 में जीरो, मैंने तो यार आज तक 200 का ही देखा है, 3 होते हैं। आपके घर में कभी 2000 आया भी है कि नहीं? यार मशीन की बात है यार, गरीब लोग हैं हम कैसे पे करें यार। ये है जी हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड यार, है ना कुतार दे बार बार यार, मुझे शक होता है नबीना को ही आ गया भाई। आपको ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको मुझे आंखों से शक हो? अच्छा अपनी तरफ से फिरोज खान बनाओ, चल प्यारा लग रहा है यार, प्यारा लग रहा है जी। ये हमारा कोर्ट है, ये भाई बैठे हैं। सलाम अलैकुम, इंट्रोड्यूस करो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या था? मुसव्विर शाह। मुसव्विर शाह साहब क्या हाल? अच्छा ये भाई भी हमारे साथ शूटिंग में थे जो बिछड़ गए, मास्क तो उतार दे भाई जान, ये आप गौर से देख लें। और भाई जान आपका क्या नाम है? बलोच। अच्छा बलोचिस्तान से आए आप, आपका? सज्जाद खान। सज्जाद खान साहब मास्क उतारे, चेहरे की ज़ियारत कराएं। माशाल्लाह। अच्छा ये हमारा कोर्ट है बास्केटबॉल का, ये जरा दुनिया पे जो बोझ है ये भी दिखाएं, ये देखिए ये दुनिया पे बोझ है, इसकी वजह से दुनिया का जो हतीस तवा है वो टेढ़ा हो गया। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल कैफे में, जो कि इकबाल हॉस्टल के बिल्कुल बैक साइड पे है। तो मेरे साथ सजाद भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, क्या हाल चाल है? तो सजाद भाई इधर हॉस्टल आए थे, और आप किस इलाके से वैसे आपका ताल्लुक है? जी मेरा ताल्लुक पत्तोकी से। पत्तोकी से है, और इधर आप फर्स्ट ईयर में आए? जी इधर मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और अब मैं इकबाल हॉस्टल में रिहाइश पे दे रहा हूँ। और इकबाल हॉस्टल में लामा इकबाल का कमरा है। अच्छा अपनी तालीम के दौरान 4 साल इधर गुजारे। अच्छा ठीक है, इकबाल हॉस्टल में लामा इकबाल का कमरा, वो इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को किसी और भी लोग में दिखाएंगे। जी बिल्कुल, तो सजाद भाई के साथ इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। और सजाद भाई आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा इकबाल हॉस्टल में? जी इकबाल हॉस्टल एक जो है ना प्रेस्टीजियस क्या कह लें शानदार एक बोर्डिंग हॉस्टल है। ठीक है, इसमें सोसाइटीज होती है, इसमें मेस की सोसाइटी होती है, ये इकबाल हॉस्टल का ये है कैफे है इसकी सोसाइटी है, लाइब्रेरी की सोसाइटी है, प्रीफेक्ट लोग होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा जबरदस्त होता है इकबाल हॉस्टल। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आपका रहा है। और ये सामने देखे इकबाल हॉस्टल के बिल्कुल ये कोर्ट है, और इधर ही जब फारिग हो आगे गेमिंग वगैरह करते हैं सब कुछ, और माशाल्लाह बहुत एंजॉय होता है जीसी यूनिवर्सिटी में। और एक और बात, ये जिस कैफे में आप बैठे हैं इसकी एक सोसाइटी है, इसका एक प्रेसिडेंट है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ठीक है, वो जो है वो इसकी क्वालिटी को जो मेस है ना उसमें जो भी चीजें होती हैं उसकी अच्छा। क्वालिटी की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। हाँ जी बिल्कुल। और ये कैफे 2000 ईस्वी में डॉक्टर आफ्ताब नाम था उनका, डॉक्टर आफ्ताब आफ्ताब प्रिंसिपल थे वो, प्रिंसिपल थे उस वक्त। जीसी यूनिवर्सिटी को अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला था, ये सिर्फ कॉलेज था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त ये इसे जो है ना वो इनॉग्रेट किया गया ना। ठीक है, इस कैफे को सही हो, तो ये एक शानदार इसकी तारीख है, और अंदर भी आप देखना चाहें तो आपको इंशाल्लाह वो किसी और व्लॉग में, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा व्लॉग, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे व्लॉग को इख्तिताम, इसका व्लॉग का इख्तिताम करेंगे, और इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में अंदर से इकबाल हॉस्टल भी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये हमारे सब भाईजान बैठे हुए हॉस्टलाइट हैं, सब बात हिला दे भाईजान। और तो फिर आ गया। दोस्तों उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियोस को शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। तो इंशाल्लाह अगली बार आपको न्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हाफिज़ अली अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।